बोलो हर 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 हर। जैसा कि आपको मालूम है कि शिवाय फिल्म आ रही है दीपावली के अवसर पर, आप लोग देखने को तैयार हैं? इनका पहले तो सबसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ओके ठीक है। अच्छा मैं आपको दो मिनट देता हूं, आपको जो बोलना जो चलाना बोल लो। ओके कम ऑन, हमारा इंदौर में राजवाड़ा के पोहे जलेबी बड़े फेमस है, आपने खाए कि नहीं खाए? आते ही सबसे पहले मैंने वो खाए, सबसे ज्यादा जलेबी। अरे क्या बात है। ओके अच्छा आपके साथ दो हीरोइनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं जी, दो हीरोइनें आ रही हैं, उनके बारे में कुछ बताइए और यहाँ पर बुलाइए उनको। दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं जो मेरे साथ आई हैं, वो पीछे इंतजार कर रही हैं, अगर आप लोग कहें तो उसे उन दोनों को बुला लूं मैं। बिल्कुल बुलाया जाए, यस कम ऑन। अरे इनके बारे में बताइए, पहली बार इंडस्ट्री में आई हैं, पहली बार फिल्मों के जरिए लोग देखेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इन दो खूबसूरत? आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा कितने खूबसूरत हैं दोनों। बिल्कुल 100% सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये बहुत ही दोनों बहुत ही कमाल के एक्ट्रेसेस हैं। और ये कहां से आपने खोज की इन लोगों की? बड़ी मुश्किल से खोज की। अरे क्या बात है, ये तो हिंदुस्तान में मिल गई, इनको बाहर से ढूंढ के लाया हूं मैं। क्या बात है। ऐसे हमारे इंदौर में भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, तो आप अपनी फिल्मों में काम देंगे कि नहीं देंगे? हमारे इंदौर में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग काम करेंगे अजय देवगन के साथ? टैलेंट को अपने आप ही काम मिलता है। क्या बात है, टैलेंट को काम अपने आप मिलता है। अजय आपने इतनी ऊंचाई भी रखी, क्या हिमालय में शूट किया, कहां शूट किया इसको? हिमालय में भी शूट किया, बुल्गारिया में भी शूट किया, जहां जहां बर्फ में पहुंच सकते थे वहां सब जगह। तो कितनी कंट्रीज को कवर किया आप लोगों ने? बेसिकली इंडिया और बुल्गारिया। ओके आज इस समय हमारे साथ में सायेशा मौजूद है, सायेशा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन सायेशा, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा काम करते हुए? नमस्कार, पहले तो आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेल, मैं क्या कह सकती हूँ, आई थिंक मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अजय सर ने मुझे शिवाय का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका दिया। थैंक यू सर। आपने ट्रेलर तो देख लिया, मैं भी पहली बार ट्रेलर आप सबके साथ ही देख रही हूँ, सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। एंड मैं चाहती हूँ कि आपने जितना सारा प्यार अजय सर को दिया है उतना प्यार मुझे भी दे दीजिए। We have Erica. Erica, can you pass over? Come on, guys. Erica, how was the experience with Ajay Devgan? Puri film karna? It was crazy. Yo! But as you see in the trailer, it's really, really incredible. So everything came out really well and I loved it. Won't say anything else. Okay. Ajay, isme ek line hai, ane do line hai. जो बड़ी कमाल की हम लोग ट्रेलर प्रोमो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी जुबानी हो जाए, जोरदार ताली होनी चाहिए अजय देवगन के लिए। कम ऑन गाइस। ना दीना अंत है इसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। क्या बात है। अजय, ये फैमिली फिल्म है या तो? बिल्कुल इमोशनल ड्रामा है, फैमिली फिल्म है, जो एक्शन भी है वो बैकड्रॉप है, बेसिकली एक इमोशनल कहानी है। क्या बात है। अच्छा हमारे बहुत सारे फैंस यहाँ मौजूद हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एनीवन है क्या माइक्रोफोन किसी के पास है? ओके हाँ प्लीज। हेलो हेलो, रिलैक्स रिलैक्स, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे हैं, डोंट वरी। ओके क्वेश्चन सर, इंदौर आने के लिए आपका शुक्रिया, आपने हमारा दिल रख लिया, हमारे लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट है सर, ये लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे सर हम। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही था।
थैंक यू सर। सर इंदौर में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी चीज वैसे आप लोग। एनी क्वेश्चन या एनीवन या प्लीज पूछिए, माइक्रोफोन पास में है। और कोई पूछना चाहेगा क्वेश्चन? जी हाँ, शिवाय फिल्म इस दीपावली को आ रही है, आप लोग जरूर देखिएगा। अजय, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं चाहूंगा कोई फैन क्लब में से कोई मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया के लोग आए हुए हैं, सब पूरे सिर्फ चुनिंदा फैन क्लब को बुलाया गया है और उन फैन क्लब के सिर्फ 5-5 सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मतलब 122 फैन क्लब यहाँ पर इंदौर में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, कम ऑन, जोरदार तालियां। हेलो हेलो सर, हेलो अजय सर, हियर हियर जी। I have just met you, given the biography to you. Oh, that was lovely. Thank you so much. Me. Sir, my question is, what is the theme line of Shivaay in one sentence? What is Shivaay according to you in one line? It's an emotional drama where a man who is pushed to destroy everything possible because somebody is trying to destroy him. And we want the trailer once more, please. Last one. Before we finish, we'll have it once. Only more. You are the actor who is a character on the screen. Shah Rukh is Shah Rukh, Amir is Amir. But you are Sultan Mirza. Let's. You are Malik Bhai. You are Malik Bhai. Only you are the actor born with characters. I think best luck to your life. I think everybody is. I love you very much, fabulous. Sir. So let's not. And I will complete the book on your birthday, 2nd April. I will bring it in Mumbai. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Ajay, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये शिवाय इस फिल्म का टाइटल क्यों है, क्या रीजन क्या है, शिवाय नाम क्यों रखा गया? कैरेक्टर का नाम शिवाय है। ओके। और शिवाय एक ऐसे भगवान है जिनमें वो सब चीजें हैं जो कि एक आम इंसान में होती है जी। बाकी जितने भी भगवान है सब के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो सब एकदम परफेक्ट है। शिवाय जो भोले भी हैं, जो भांग भी पीते हैं, जो हर इंसान जो करता है वो करते हैं, गलतियां भी करते हैं, बेवकूफ भी बन जाते हैं, गुस्सा आता है तो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो ये सब अगर आज के इंसान में हो और सही तरह से इस्तेमाल करे तो वो कैसा होगा? क्या बात है। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एग्जैक्टली देखा जाए तो आप ही शिवाय हैं। ना, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि आप में क्रोध है, गुस्सा है, भोलापन है। एनी क्वेश्चन? माइक्रोफोन, माइक लो, माइक बेटा, माइक लो, माइक माइक माइक। हाँ ओके। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर, आपने फिल्म में जितने भी स्टंट्स किए, जंप्स किए, आपने उसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग ली है? थोड़ी बहुत ली है, बचपन से ली है। अरे भाई, खानदानी परंपरा है। हेलो सर, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है जी। सर सर एक क्वेश्चन है, तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे है, सुनना एक बार, एक शेर सुनाऊंगा आपको मैं जी। सोने का घड़ा पलंग पे पड़ा, अजय देवगन जी का दिल इतना बड़ा कि हमको हैप्पी बर्थडे कहना पड़ा। हेलो 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 सर, वन क्वेश्चन। Okay, सर एक डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे, अपहरण का, अपहरण का। अरे अपहरण बहुत पुरानी होगी, याद नहीं यार। डायलॉग याद नहीं। मूवी है सर, मेरा नाम भी अजय है सर, मेरा नाम भी अजय है सर, और सभी दोस्त लोग मुझे अजय शास्त्री ही बोलते हैं सर। अजय शास्त्री ही बोलते हैं। अजय शास्त्री, मुझे डायलॉग याद नहीं है इस वक्त, वरना मैं जरूर सुना देता हूँ सर, मैं सुना देता हूँ। ओके, वी हैव मीडिया के लोग बहुत सारे मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि कोलकाता से, बैंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, रेडियो टीवी प्रिंट के लोग मौजूद हैं, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अजय प्लीज, अजय इधर बड़ा माइक्रोफोन लेना, माइक्रोफोन। एक्सक्यूज मी, अजय कोने में जस्ट अपोजिट। शिवाय की जो कल्पना थी वो कैसे और क्यों आपके मन में आई, और इस फिल्म को बनाने के पीछे मेन थीम क्या थी? शिवाय, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक इमोशनल ड्रामा है, इसकी कल्पना इनफैक्ट एक आर्टिकल हमने पढ़ा था जो कि रियल जिंदगी में हुआ था, तो उससे हम लोग बहुत मूव हो गए थे। ये पिक्चर उसके थॉट प्रोसेस पे बनी गई है, उसको फॉलो नहीं किया गया, वो हमारा इंस्पिरेशन था।
शिवाय के बाद आप काजोल के साथ कोई फिल्म बनाएंगे या ना बनाएंगे, ये मेरा प्रश्न है। उनके साथ एक फिल्म बन रही है अभी हमारी प्रोडक्शन में, जो इस साल के एंड में शुरू होगी। क्या बात है, ओके थैंक यू। आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, तो एक्टिंग और डायरेक्शन की तरफ जाने का जो आपका फैसला था वो आपने क्यों किया? कि कोई अच्छा बंदा इसको आपको नहीं मिला डायरेक्ट करने के लिए, या आपको लगा कि कोई इंसाफ नहीं कर पाएगा इसके साथ? ऐसा नहीं है, मेरा अपना थॉट प्रोसेस था, जो कहानी मैं कहना चाहता था वो मुझे लगता था कि वो मैं ही कह पाऊंगा, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। जैसा आपने जिक्र किया कि शिव शुरुआत आरंभ है और अंत है, क्या ये फिल्म किसी तरह उस स्पिरिचुअल लेवल पे भी लोगों को ले जाएगी, कोई लेयर ऐसा मिलेगी, या ये होलसम एंटरटेनमेंट है केवल? ये होलसम एंटरटेनमेंट तो है ही, बट इसके अलावा इसके पीछे जो एक थॉट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शिवाय के, वो किस तरह, जैसे कि बोलो हर हर हर, तो हम शक्ति बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं आपके अंदर ही है। अगर आप खुद अंदर ढूंढ लें तो हर हर महादेव, हर इंसान महादेव है, तो इसलिए बोलो हर हर हर। तो ये फिलॉसफी है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया। एनी फिल्म्स ट्रेलर इज बीन लॉन्च्ड इन इंदौर, एनी कुछ थॉट था इसके पीछे, लाइक व्हाई डिड यू चूज इंदौर टू लॉन्च? दिस वाज इन माय प्लान, आई वाज कॉल्ड बाय देम, दे the boys, the fan clubs, they came to Bombay and they saw the trailer and they wanted, and they said, can we launch the trailer? So I have not organized this, they have organized this, I have just helped them in organizing it. Sir, round table ke bare mein thoda sa Indore ki janta ko bataiye, ye mera request hai aapse. Ha, but is waqt uske bare mein baat nahi karenge, is waqt baaki logon ke paas sawal hai. Sir, kuch bhi hai, janta janna chah rahi hai, isi karan janta ka sawal hai, mera sawal yaar, abhi Shivaay ke bare mein baat kar lete hain, last question baat karenge. Sir, bilkul Shivaay ke bare mein baat karenge, thoda sa round table ke bare mein batajiye, uske bare mein baad mein baat karenge. Okay sir, thank you. Any question? Ajay sir, hum dekh rahe hain trailer, the trailer looks awesome. Thank you. Do you feel it can give a tough competition to Hollywood in the in future? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत realistic लग रहा है पूरे locations, आपका character, और do you feel it can give a tough competition to Hollywood in future? It's the intention is not to give a tough competition to Hollywood. The intention is to raise our bar and make films. If they can make it at that level, so we can also make it at that level. That is what is the main issue. सर मेरा सवाल है कि 3:40 में जो आपने ट्रेलर दिखाया है, ये बिल्कुल अलग तरीके का कटा हुआ ट्रेलर है, गानों का सामंजस्य है, आपके डायलॉग्स हैं, श्लोक उसमें रखे गए हैं, तो इस तरीके का ट्रेलर आपके फैंस और दर्शकों तक पहुंचाने के पीछे का राज क्या है, जरा बताएं? फिल्म का मैं जिस स्केल की फिल्म है और जिस हिसाब की फिल्म है उसके बारे में और जो इमोशन है वो अंडर करंट बताना चाह रहा था, और जो फिलॉसफी है फिल्म की वो जो मेरी वॉइस ओवर है उसमें है। बिना ज़्यादा कहानी के बारे में रिवील किए, आई थिंक मुझे ये सबसे अच्छा रास्ता लगा ट्रेलर बनाने का। हेलो, और आपकी कही हुई सारी लाइंस में से कोई पर्टिकुलर लाइन जो आपको काफ़ी बेहद पसंद हो? जो अभी मैंने कही वो सबसे मेरी फेवरेट है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अजय देवगन ऑन अ फिल्म लाइक शिवाय, व्हिच इज हिज मोस्ट एंबिशियस प्रोजेक्ट? अजय सर एक बहुत ही इट मेड इट इवन मोर स्पेशल दैट ही इज नॉट ओनली एक्टिंग इन द फिल्म बट ही इज डायरेक्टिंग इट इज वेल। एवरीबडी नोज दैट वो बहुत ही एक टैलेंटेड कलाकार हैं, बट इन द डायरेक्शन डिपार्टमेंट टू ही इज वेरी एक्यूरेट, ही नोज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स, विच मेड माई लाइफ ईजियर, and so it gives me great honor to be part of his directorial film. That doesn't happen very often, so I couldn't have asked for a better debut. Erica, what do you want to say something in Hindi to all your fans? Nahi. Okay, aaj maine breakfast mein rajwada ke pohe aur जले भी खाए हैं, बहुत अच्छा है। आपने अजय सर की पहली फिल्म कब देखी थी, आप कितने बड़े थे, और कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है अजय सर की? और दूसरा सवाल यह है कि इंदौर में आपकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इंदौर कितना स्पेशल है, यहाँ के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? As I said, इतना सारा प्यार देखकर
all the love that they've given. I'm feeling overwhelmed, and it's a great, great feeling that you can experience this in your very first film. So thank you for all the love. Your first film you saw, Ajay sir, ki jo pehli film. Honestly, I won't remember the first film. I must be very little. But I think I have a few memorable films that I remember him. Ajay, Omkara will be one of my favorites. Drishyam will be one of my favorites. The list goes on, but I think these two will be very memorable for me. Ajay, kya sets par Ajay sir aapko daantte the? Matlab kaisa unka behavior rehta tha sets par Ajay sir ka? Sets par Ajay sir, as a director, aapko कैसे मेंटर थे? क्या आपको डांट पड़ी या उन्होंने सिखाया अच्छे से? डांट बिल्कुल नहीं पड़ी. अजय सर इज द मोस्ट काम कूल पर्सन यू एवर फाइंड. ही इज स्ट्रिक्ट इन द वे एज ही नोज व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स. सो टिल ही गेट्स दैट ही विल मेक श्योर द टेक इज टेकन. बट इवन इफ देयर इज एक चीज जो नहीं आ रही है वो बोल देंगे एक और ले लेंगे. So he makes the people around him feel very comfortable, and that's great. The acting or direction, dono mein zyada interesting kya lagta hai, direction ya acting? I think dono hi apni jagah pe hain. Ajay, phool aur kaante se aapki shuruaat hui thi aur abhi Shivaay tak aap pahunche hain. Ye pura safar kaisa raha aapka, from phool aur kaante to Shivaay, aur ab aisa kaun sa kirdaar hai जो आप निभाना चाहते हैं या जो आपका ड्रीमी किरदार है? कौन सा किरदार तो मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि 25 सालों में मैंने हर किस्म के किरदार निभा लिया. अभी ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा किरदार और अलग तरीके से फिर से निभा सके. और सफ़र की बात करें तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला इंसान नहीं होगा जिसने 25 साल में इतना सब कुछ देखा और हमेशा कामयाबी देखी है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे बहुत हो, और इन सबका प्यार मिल रहा है. हाय अजय, ड्यूरिंग द एंटायर शूट हैव यू गॉन थ्रू एनी इंजरी? आई सफर्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया, जो कि सर्दी की वजह से हो जाता है, जो काफ़ी फेटल होता है कई बार. वो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा छोटी मोटी मारे तो लगती रहती है. थैंक यू सर. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये आपको हमने हर किरदार में देखा है, चाहे इमोशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इस किरदार के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी, क्या संघर्ष इसके बीच हुए, क्योंकि इतनी रियल स्टैंड करना पॉसिबल नहीं है. बहुत ज़्यादा मेहनत किरदार पे नहीं करनी पड़ी, क्योंकि किरदार भी लिखा मैंने खुद है, तो मुझे किरदार की समझ काफ़ी थी और मैं क्या अपने आप से चाहता था ये मुझे पता था. बट फिल्म बनाते वक्त क्योंकि जो हालात थे, जिस हालात में और जिस टेम्परेचर्स में ये फिल्म बनी है, और जिस आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे शॉट हैं जो कि लेना बहुत मुश्किल है, वो सब करने में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी. सर, आपकी सिंघम फिल्म देखकर इंदौर पुलिस भी सिंघम का किरदार निभा रही है, क्या आप इसको सही मानते हैं? अगर निभा रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंघम में अगर नॉन करप्ट हमने पुलिस दिखाई है और वो जेन्युइनली यहाँ है, तो मैं इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या होगी. ओके, थैंक यू. ओके, लास्ट बार वो जो डायलॉग था जो सबने रिक्वेस्ट किया था अभी. ओके, लास्ट डायलॉग. ओके, वन बार आपने प्रॉमिस किया था. ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही. याद नहीं भैया, याद नहीं है. जिसके भीतर बसा शिवाय. ओके, आइए. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. आ जाए, ये लोग लेके आए आपके लिए.